दोस्तों देखिए, अब हम गोलू को पापा छोलना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए किस तरह से इसे छोल रहे हैं, कितना मस्त टाइप से साफ भी हो। दिखाते हैं, ये देखिए एकदम सरसों का दाना का जैसा बीज है दोस्तों, देख सकते हैं मस्त टाइप से बीज, सरसों दाना जैसे। मान लीजिए सरसों ही दाना है तो क्या करते हैं, लाइन में लाइन कीजिएगा क्या, जल्दी जल्दी। हाँ तो दोस्तों स्वागत है फ्रेंड गोलू फैमिली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आप लोग कैसे होंगे, स्वस्थ भले होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी हो रहा है कड़ी धूप का टाइम, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कड़ी धूप निकला हुआ है। ये देखिए गोलू में फल खा रही है, ब्लड बनाने के लिए अनार खा रही है ना इसका फिर थोड़ा सा ना तबीयत खराब था इसीलिए। तो क्या करते हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया, सोच रहे थोड़ा मोड़ा जाके बाड़ी में काम कर लेते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा चारा छिटने वाले हैं, तो ही जा रहे हैं दोस्तों। अभी पौड़ी उड़ी ले लिए हैं यहाँ पे देखिए, और कहाँ पे छिटने वाले हैं और कैसे करके छिटेंगे आप लोग को ब्लॉग में पता चलेगा। चलिए जी कौड़ी सब उठाइए, उठाइए खाते खाते चलिए। अभी खुआ कि गोलू बेटा मेरा सूत गया है, और सानू बेटी अभी अभी जस्ट स्कूल से आई है, तो अभी उसको भी बोल दें सोने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, देखिए एक कौड़ी हम लिए, कौड़ी गोलू के मार लीजिए, देखिए बड़का वाला कौड़ी। तो चलते हैं, अभी हम लोग निकलते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं हम लोग बाड़ी आ चुके हैं, और ये देखिए हम लोग बरबट्टी लगाए थे ना, तो देखिए पूरा घास हो गया, देखिए थोड़ा थोड़ा बरबट्टी इधर भी दिख रहा है, देखिए उधर भी है, लेकिन दुनिया भर का घास नज़र में आ रहा है। खाली घास सब इसको छीलने का जैसे छील लेंगे क्या, तो अभी क्या करते हैं दोस्तों हम लोग चारा निकाल देने सफा देंगे। हाँ वैसे भी जो भी हो, निकालना है या छिलना जो भी हो, और यहाँ हम लोग थोड़ा सा जगह छोड़ के रखे थे ताकि यहाँ पे लगाएंगे हम लोग अपना चारा देंगे, इसीलिए ये देखिए चारा उठो के जगह तो कम नहीं हो जाएगा, नहीं दे देंगे इधर बढ़ा के थोड़ा सा क्या, मूल ला तुला हो नहीं हो रहा है क्या। तो चलते हैं दोस्तों, अभी क्या करते हैं ये सब घास को थोड़ा मोटा छील देते हैं, धूप के टाइम है, छील देने से अच्छा रहेगा। दोस्तों देखिए, अब हम गोलू को पापा छोलना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए किस तरह से इसे छोल रहे हैं, कितना मस्त टाइप से साफ भी हो रहा है, इतना घास है और छोलने से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें चारा छिटेंगे दोस्तों, इसलिए छील के अभी छोड़ दे रहे हैं, शाम के टाइम थोड़ा सा छिटेंगे क्योंकि अभी कड़ी धूप है, तो सोचे हल्का सा काम कर लेते हैं, धूप में काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सोच रहे थोड़ा सा छील के एगो काम निपटा के रख देते हैं। ये देखिए इधर दोस्तों हो गया शाम का टाइम, और शाम के टाइम देखिए हम डेग और कुदाली लेके जा रहे हैं बाड़ी, और जो आप लोग देखे थे ना, मतलब दोपहर के टाइम हम लोग काम कर रहे थे चारा छिटने के लिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये टब में हम गोबर लेके जाएंगे, अभी गोबर देंगे दोस्तों, गोबर देके अच्छा चारा छिटेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलते हैं, अभी देखिए हम लोग को गोबर का कुंड पहुँचने ही वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों हम गोबर का कुंड, देखिए यहाँ पर लगाए थे हल्दी उल्दी, हल्दी लगाए थे सब, हल्दी सब इतना बड़ा बड़ा हो गया। तो क्या करते हैं दोस्तों, ये देखिए हम लोग का गोबर सूखा हुआ गोबर, मस्त टाइप से गोबर है। चलिए दोस्तों इसी गोबर को हम भर लेते हैं जितना ले जा पाएंगे, उसके बाद वहाँ पे छिड़केंगे, उसके बाद उसको कोड़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों जल्दी से जल्दी, ये बकरी लेके तब उसको टाइम लगेगा, तो चलते हैं हम वहाँ पर लोडिंग करते हैं। तो ये रहा दोस्तों, देखिए हम गोबर ला के यहाँ पर रख दिए हैं, ये देखिए छील के जो जितना गए थे वही छिला हुआ है, देखिए घास सब मर गया देखिए इस तरह से। तो क्या करते हैं दोस्तों, अभी हम घास सबको थोड़ा थोड़ा साफ कर लेते हैं, ये सबको हटा देते हैं, देखिए देखिए कुछ मरल है कुछ जिंदा जिंदा है, ये सबको हटा देते हैं। तो दोस्तों इस सबको हटाने के बाद क्या करेंगे, इसको कोड़ेंगे अभी पूरा वहाँ से ही, यहाँ उतना दूर जो आप लोग देख रहे हैं उतना कोड़ेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी घास को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। इधर दोस्तों देख सकते हैं, इधर देखिए गोलू की माँ भी आ चुकी है, देखिए दोस्तों उधर गोलू की माँ काम कर रही है अपना, देखिए माटी लेवल कर रही है, और हम कोड़ करके रेडी कर लिया, साथ में हम भी कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए माटी का कुछ इस तरह से लेवल करना पड़ता है ताकि चारा का वो होता है ना, बारिश का टाइम है, उधर से पानी आएगा तो इधर आ जाएगा क्या जी। चलिए अब मेरे सानवी बेटे देखिए वहाँ पे बैठ के शॉर्ट वीडियो देखिए, सानवी मच्छर नहीं काट रहा बेटा, मच्छर नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है यार, इस जगह मच्छर का एरिया है, देखिए कुछ अब जंगल झाड़ी पे घिरे हुए हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या सानवी कुछ कुछ देख रही है, और वहाँ गोबर खाद ला के तो वहीं पे रखे थे और एक बार लेके चला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी हम लेबलिंग करते हैं, छीटते हैं, काफ़ी टाइम लेट हो गया है और अंधेरा भी होने वाला है, जल्दी जल्दी काम करते हैं जल्दी जल्दी अपना। तो इधर दोस्तों देख सकते हैं हम लोग का लेबलिंग क्या हुआ, सारा कम्प्लीट हो गया, देखिए चारा देने के लिए अच्छी तरह से रेडी कर दिए, चारा का बेड बना चुके हैं, और कौन सा चारा देख रहे हैं देखिए दिखाइए जी आपको, ये देखिए ये देखिए आप लोग देख के ही पोस्टर समझ के पढ़ लीजिएगा आप लोग का, तो ये देखिए हरा वाला वो वाला व्हाइट वाला है देखिए गोभी का। अभी क्या करते हैं इसी में हम लोग जल्दी जल्दी
छींटते हैं, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। तो देखिए जल्दी फाड़िए जी, देखिए फाड़ने के बाद कैसे बीज निकलता है आप लोग देख लीजिए। इसमें है शायद, उसमें होगा ना, देखिए थोड़ा सा झाड़ के फाड़ना चाहिए था, नीचे रहेगा। अब बीज दिखाइए जी, कैसा बीज है दिखाते हैं। ये देखिए एकदम सरसों का दाना का जैसा बीज है दोस्तों, देख सकते हैं मस्त टाइप से बीज, सरसों दाना जैसे, मान लीजिए सरसों ही दाना है। तो क्या करते हैं, लाइन में लाइन कीजिएगा क्या, जल्दी जल्दी। हाँ तो दोस्तों लाइन बाय लाइन थोड़ा सा खींच लेते हैं, लाइन खींचिए, तो कैसे खींचिएगा, हाथ से कीजिए ना, उंगली से खींचिएगा ना, यहाँ से लेके ऐसे ऐसे फरक फरक ना है। ये देखा दोस्तों, देखिए हम किस तरह से उंगली से लाइनिंग कर रहे हैं। अच्छा कीजिए जी, अच्छा अच्छा से नहीं हो रहा है क्या? ये देखिए, चलिए लाइनिंग हो गया, पांच को लाइनिंग हो गया ना, पांच छः को। चलिए अब देख के दिखाइए तो जी फटाफट। एक हाँ देना है। हाँ तो कहा, एक को नहीं तो कह दीजिएगा, इतने में फर्क दीजिएगा ना। हाँ ये रहा दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह से मेहनत करके दे रहे हैं हम लोग चारा। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, हम भी दे देते हैं चारा को जल्दी से जल्दी, क्या ना लाइनिंग तो थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया ना हम लोग। अब चलिए हो गया तो कोई दिक्कत नहीं क्या, तो चलते हैं दोस्तों जल्दी से जल्दी, हम भी करने में स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। तो इधर दोस्तों देखिए हम लोग का छीटा हुआ कम्प्लीट हो गया, देखिए कितना लाइन मस्त टाइप से लाइन बाई लाइन दिया, देखिए आप लोग को नजर आता है, देखिए गोलुकमा ढपने लगी है, देखिए हल्का हल्का ढपिए, देखिए हम भी साथ साथ में ढप देते हैं ताकि आसानी होगा दोस्तों निकलने में, ज़्यादा लाइन बाय लाइन देने से क्या होगा, अच्छा से अच्छा निकलेगा, इसीलिए हम लोग लाइन बाय लाइन दिए हैं, बस यही रीजन है क्या। ये देखिए मस्त टाइप से ढपा जा रहा है, उसके बाद हल्का हल्का जो गोबर लाए हैं ना उसको ऊपर से दे देंगे दोस्तों। चलिए अब क्या करते हैं ना, उसको भी दे पटाख से छिड़ के कर लेते हैं क्या। हाँ पहले ही ढक लीजिए ना, गोबर दे दीजिएगा पहले इसके। नहीं जी एक बार गोबर तो दीजिएगा पहले। हाँ तो वही बोल रहे हैं, इसको ढक लेते हैं, जगह बना कर एक रास्ता दागी देख रख देते हैं दोस्तों, ताकि अब व्हाइट वाला भी ये करना है। चलिए हो गया, ऊपर में रहता है तो ऊपर में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ढकेगा ना गोबर से क्या। चलिए ये रहा दोस्तों हम लोग का, देखिए पूरा कर लिया, अब व्हाइट वाला फाड़िए जी जल्दी से जल्दी, जल्दी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो उधर ढकना है। इधर दोस्तों देख सकते हैं हम लोग का ब्रोकली तो हो गया, अब व्हाइट वाला देखिए जी कौन सा है, देखिए दोस्तों समीनीज कंपनी का है, गिरजा 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 सब कोई गिरजा, आ कॉफी गिर के वेट बढ़ के गिरजा, तो देखिए गोलुकमा पाड़ रही है पत्थर से। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर हम लोग का लाइनिंग हो गया है, और देखिए बीज इसका, बाप रे बाप गजब कलर का निकला, मस्त टाइप से निकला, ये जो कैसे लग रहा है कलर, तो मूली बीज में ऐसे कलर दिया जाता है एकदम मस्त ऐसे पिंक टाइप से लगा हुआ क्या। चलिए 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 इसको भी दीजिए जल्दी से जल्दी, वो लाइन ठम्मा दीजिए, हाँ लाइन ठम्मा दीजिए, इसका बीज थोड़ा ज़्यादा है थोड़ा छोटा छोटा है ना जी, ये देखिए गोलुकमा कितना मेहनत कर रही है इसमें। तो चलते हैं दोस्तों हम भी थोड़ा सा छिटने में साथ देते हैं। तो इधर दोस्तों हम लोग का काम करते करते देखिए पूरा अंधेरा हो गया है, देख सकते हैं पूरा अंधेरा, फ्लैश लाइट जला के काम कर रहे हैं, अभी हो गया है बस थोड़ा सा ढक रहे हैं, ये देखिए उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, आप लोग को पता दिखाते जा रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू रहिए मेरे ब्लॉग पर। ये देखिए उधर उधर वाला ढका हुआ कम्प्लीट हो गया, अभी जो बिने उसको ढका रहे हैं क्या, देखिए ढक रहा है ना जी। आ देखिए दोस्तों बीज सब गिराए थे, देखिए किस तरह से आप लोग को नज़र आता है, देखिए ये देखिए एकदम पिंक पिंक कलर का नज़र आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों लेट हो रहा है जल्दी ढकते हैं। सो फाइनली दोस्तों हम लोग का सारा कंप्लीट होने के बाद देख सकते हैं ये गेमोसिन पाउडर है, गेमोसिन पाउडर का छिड़काव कर, इसलिए छिड़काव कर रहे हैं कि ताकि आप लोग चारा छिटिएगा ना तो क्या होता है इसमें पिपड़ी ना लगे, यानी कि चींटी ना लगे, हम लोग देहाती में बोलते हैं पिपड़ी, एक्चुअली चींटी होता है, वो सब लगता नहीं है, ढोने का चांसेस बनता है, इसलिए देखिए कुछ इस तरह से गेमोसिन पाउडर दिया है, काफ़ी ज़्यादा सेंट कर रही थी, सेंट से ही भाग जाता है, देखिए छिटा जा रहा है पूरा अच्छी तरह से, दीजिए जी चारों तरफ भी दे दीजिए, ठीक है ना, ख़त्म हो गया क्या है, ये है ना, देखिए कुछ इस तरह से बहुत छिटने के बाद देखिए पूरा व्हाइट व्हाइट टाइप से आप लोग को नज़र आता है, हल्का हल्का देना है, ज़्यादा भी देना नहीं है। ये देखिए गोबर मस्त टाइप से दोस्तों, एकदम देसी वाला खाद का जुगाड़ लाए हैं, अब दे रहे हैं इसके ऊपर में चारा के ऊपर में, ताकि थोड़ा सा जोर आना चाहिए, क्योंकि एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो निकलने में भी सुविधा होगा। देखिए पतला पतला दिया जा रहा है, दे दीजिए जितना है, एकदम काला काला टाइप से लग रहा है, देखिए मस्त टाइप से लग रहा है दिखने में,
चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, हम भी थोड़ा सा छिड़क देते हैं ताकि आसानी होगी, जल्दी से जल्दी होगा काम। देखिए इधर कछुआ भी, केचुआ भी आया था, देखिए गेहूँ हमारी कितना मस्त है, भीगा हुआ है ना। दीजिए पूरा पूरा ही दे दीजिए, पहले गोटे तो दे लीजिए ना। हाँ पहले पूरा दे लीजिए, थोड़ा उसके बाद बचता है तो देखा जाएगा। तो अब दोस्तों हम लोग का गोबर दिया कंप्लीट होने के बाद देखिए ये कुटी दे रहे हैं जो बिचाली का काटा हुआ है, इसको भी इसलिए दिया जा रहा है कि होता नहीं बारिश से थोड़ा सा बचने के लिए, रोकथाम के लिए इसको जुगाड़ लगा के दे रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से दिया जा रहा है, देखिए दे दे उससे को ना देते जाइए ना, देखिए पतला हो रहा है तो पूरा देना है तो। ये देखिए कैसा लग रहा है, लग रहा है घास घूस दे रहे हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली ये बिचाली का काटा हुआ कुटी है। पानी दीजिएगा ना तो बैठ जाता है। चलिए तो क्या करते हैं दोस्तों, चार सबको इसी तरह से हम लोग दे देते हैं। देखिए काटा हुआ दंदे से खांची में लाए हुए एकदम। तो ये रहा दोस्तों, देखिए सारा हम लोग कुटी वगैरह दे दिए हैं, पूरी अच्छी तरह से ढक चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा गिर गया है ना, ये वाला ना। तो चलते हैं अभी दोस्तों घर, अपना जुगाड़ वगैरह ले लेते हैं सारा। ये देखिए कुछ देने के बाद, कुटी देने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है, देखिए बिचाली का पूरा काटा हुआ। अब क्या करते हैं, पानी हम लोग कल देंगे, कहे कि आज के दिन क्या हो गया, मौसम अभी ख़राब है, अभी लग रहा है रात को बारिश होने वाली है। तो चलते हैं अभी क्या करेंगे हम लोग कल देंगे। कोड़ी ठो ले लीजिए जी, वो देखिए कोड़ी, ये देखिए रात के टाइम कैसा नज़र आ रहा है। तो चलते हैं अभी घर, ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा अंधेरा का नज़ारा कुछ इस तरह से लग रहा है, एकदम भूत जैसा लग रहा है रास्ता जी। ये देखिए हम लोग कुछ खांची वगैरह सारा कुछ लेके जा रहे हैं, पूरा अंधेरा हो गया है। तो सवेरे इसमें पानी देंगे हम लोग, क्या सवेरे नहीं तो रात का, अगर बारिश हो जाता तो अच्छा बात है, नहीं तो सवेरे पानी देंगे। मौसम बना के रखा पूरा, इसीलिए हम लोग सोच रहे पानी उन्हें नहीं, तो अभी हम लोग पानी दे देते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्या करते हैं अभी जाके। ठीक है दोस्तों आज का ब्लॉग वीडियो कहीं पर रख देते हैं दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा। दोस्तों अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, जो जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो जो मतलब चारा छिटने नहीं जानते मेरे ब्लॉग देख के समझ जाइए कि किस तरह चारा छिटा जाता है। ठीक है दोस्तों आज के लिए आप सभी को दोस्तों बाय बाय दोस्तों बाय बाय दोस्तों बाय बाय।